हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं वाइंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। आज ये छोटा सा प्यारा सा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैं आपको वाइंड के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया था, हवा कैसे चलता है, वाइंड क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण वाइंड चलता है, हवा चलता है, कैसे होता है प्रेशर डिफरेंस, सब मैं आज रिवाइज करवा दूंगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्टॉर्म के बारे में, स्टॉर्म कब क्रिएट होता है। तो आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले स्टॉर्म के बारे में, फिर हम आपको बताएंगे कॉजेज ऑफ स्टॉर्म। कॉजेज ऑफ स्टॉर्म, ये जो स्टॉर्म है ये किस कारण से आ जाता है, ये जो तूफान वगैरह आता है वो किस कारण से आता है। फिर हम लोग बात करेंगे थंडर स्टॉर्म के बारे में, थंडर स्टॉर्म के बारे में बात करेंगे और साइक्लोन के बारे में बात करेंगे, साइक्लोन के बारे में, साइक्लोन के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब थंडर स्टॉर्म होता है, जब गर्जन होता है, आवाज आता है, तब हमको कौन कौन से सावधानी बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए। साइक्लोन जो होता है वो क्या होता है पता है, थंडर स्टॉर्म जो होता है यही साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत तेजी में जब चलने लगता है तब ये समुद्र में उठता है। तो हम समझेंगे कैसे थंडर स्टॉर्म साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे टोर्नेडो क्या होता है, टोर्नेडो ऐसे स्पाइरल मूवमेंट ऑफ एयर को टोर्नेडो बोलते हैं, ऐसे ऐसे ट्रेवल करने लगता है स्पाइरल वे में, कॉलम ऑफ एयर तैयार होने लगता है, उसी को बोला जाता है टोर्नेडो। आजकल के दिन में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ताकि सब लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि तूफान आने वाला है, ठीक है। तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी क्या क्या होता है, ठीक है। तो आज है लेक्चर नंबर 2, आज आपका छोटा सा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिस लेक्चर के लिए आप लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे थे कि ये लेक्चर कब आएगा, तो आ गया। चलिए पूरा रिवाइज भी मैं करवा दूंगा बीच बीच में, डोंट वरी। जो जो आपके छोटे छोटे डाउट आए हैं सब मुझे पता है, सबको मैं एक एक करके डिस्कस कर दूंगा, ओके। चलिए क्या हेडिंग लगाना है कॉपी में, स्टॉर्म, स्टॉर्म में क्या क्या होता है पहले ये बताइए। बहुत ज्यादा डस्ट उड़ने लगता है, लॉट्स ऑफ डस्ट, रेज होने लगता है, ऊपर की ओर उड़ने लगता है, बहुत ज्यादा डस्ट ऊपर की ओर उड़ने लगता है, बड़े बड़े ट्री का रूट अपरूट हो जाता है, ट्रीज का जो रूट होता है वो अपरूट हो जाता है, मतलब वो जड़ से पेड़ उखड़ जाता है जब स्टॉर्म आता है तब। और क्या होता है, जैसे बहुत आदमी का घर भी उड़ जाता है, रूफ ब्लो कर जाता है, घर उड़ जाता है, ठीक है। स्टॉर्म क्या होता है, जब हवा बहुत तेजी से चलता है, व्हेन एयर मूव्स विथ, व्हेन एयर मूव्स विथ हाई स्पीड, जब हवा बहुत ज्यादा स्पीड से जब चलता है उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म, व्हेन एयर मूव्स विथ हाई स्पीड उसी को स्टॉर्म बोला जाता है। ये जो स्टॉर्म है इसको अलग अलग जगह पर हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, ये जो स्टॉर्म है इसको डिफरेंट नेम से डिफरेंट प्लेस पर जाना जाता है, डिफरेंट प्लेस पर, जैसे साइक्लोन, टाइफून्स ये सब जाना जाता है, साइक्लोन, टाइफून्स, हरिकेन्स, ये सब कुछ नाम है जो अलग अलग जगह पर जाना जाता है, कहां कहां पर कौन सा नाम जाना जाता है सब मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसको नोट पहले कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ स्टॉर्म,
नोट किए थे, कर लिए थे ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म का क्या कारण। ये भी सेम ही होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण ही होता है। ठीक है, रुक जाइए, फिर से मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको मैं क्या समझाया था पिछले लेक्चर में, मान लेते हैं ये है लैंड वाला एरिया, ये है वाटर वाला एरिया, पानी वाला एरिया, लैंड वाला एरिया, वाटर वाला एरिया। लैंड वाला एरिया का एयर क्या होगा, एयर हॉट हो जाएगा जल्दी, क्विक, बहुत तेजी से हॉट होगा एज कंपेयर टू दिस। उसके बाद ये वाला एयर क्या होता है, ऊपर की ओर भागने लगेगा, ऊपर की ओर जाने लगेगा। जब सब हवा इसमें का ऊपर चला जाएगा तब क्या होता है, गर्म हवा इधर का इस जगह को भरने चला आता है। ऐसा नहीं है टोटल हवा ऊपर नहीं चला जाता है, मतलब कुछ कुछ हवा चला जाता है, मतलब मैक्सिमम हवा चला जाता है ऊपर। ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा भी हवा प्रेजेंट नहीं रहेगा, हवा रहता है बट कम रहता है, और इधर थोड़ा ज्यादा हवा है ऊपर में। ठीक है, वार्म एयर ऊपर चला गया तो इधर का जो ठंडा हवा है, ठंडा हवा वो क्या करेगा, इसमें भी ठंडा हवा कुछ बच जाएगा और इसमें का कुछ ठंडा हवा इसमें सप्लाई हो जाएगा, इसमें का कुछ ठंडा हवा इसमें सप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही तो हवा चलता है, ऐसे ही क्या होता है, वाइंड ब्लो करता है। ये सब आप पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अभी हम लोग बात करते हैं स्टॉर्म के बारे में। ठीक है, मान लेते हैं कि कोल्ड एयर है और हॉट एयर है। ठीक है, कोल्ड एयर और हॉट एयर है। ठीक है, मान लेते हैं इस जगह है यहां पर पूरा में कोल्ड एयर भरा हुआ है, ठंडा हवा, कोल्ड एयर ठंडा हवा है। मान लेते हैं इस रीजन में क्या है, गर्म हवा, ये वाला रीजन में वार्म एयर है, गर्म हवा। तो कोल्ड हवा क्या करेगा, बोलेगा बेटा चल तू ऊपर, अब इसको भगा देगा ऊपर। ये क्या करेगा, ब्लैक वाला हवा इस जगह को ले लेगा, ये क्या करेगा, ब्लैक वाला हवा इस पूरे जगह को ले लेगा, पूरे जगह को। रुक जाइए, फिर से मैं बनाता हूँ बगल में डायग्राम। जैसे इस जगह पे देखिए, ये जो ब्लैक वाला एरिया है इसमें का हवा आ गया। ठीक है, ब्लैक वाला, और वार्म एयर कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। और ये जो प्रोसेस है बड़ा स्पीड में होता है, बहुत तेजी से होता है। ठीक है, बहुत तेजी से होता है। ठीक है, यहां पर ये बताइए कि प्रेशर हाई कहाँ का होगा, यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। क्यों लो प्रेशर है पता है सबको, लेक्चर नंबर 1 देखे हो, क्योंकि यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स बहुत कम है, बहुत कम जगह से टकराएगा तो प्रेशर लो है। प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, टकराने से। और यहाँ पर पार्टिकल्स हवा का बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ का क्या होगा, हाई होगा, हाई प्रेशर। हवा हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वाइंड कहाँ से कहाँ की ओर ट्रेवल करता है, वाइंड ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, यहाँ भी वही हुआ, यहाँ पर जो कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, हाई प्रेशर। कोल्ड एयर में बहुत ज्यादा गैस का पार्टिकल रहेगा, बहुत ज्यादा कोलाइड करेगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट। वार्म एयर में बहुत कम पार्टिकल रहेगा, सब ऊपर की ओर भागना चाहेगा तो लो प्रेशर। ठीक है, हवा कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो करेगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर। ठीक है, ये हवा ऊपर की ओर भागेगा बहुत तेजी में, और यही वो कंडीशन है कि साइक्लोन मतलब स्टॉर्म क्रिएट होता है। साइक्लोन अभी हम लोग नहीं बात करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं, इस दोनों का जो मार्जिन होता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर का, वो बहुत ज्यादा होता है। स्टॉर्म के केस में क्या होता है कि मार्जिन जो होता है, मार्जिन का मतलब होता है डिफरेंस
हाई प्रेशर और लो प्रेशर का बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये जो वार्म एयर है ये अचानक से ऊपर भाग जाता है, अचानक से ऊपर चला जाता है, तो ऐसा कंडीशन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ रह ही नहीं जाता है। स्टॉर्म के केस में वार्म एयर तुरंत ऊपर भाग गया, वहां पर एयर रहता ही नहीं है। जब तुरंत ऊपर चला जाएगा तो कोल्ड एयर बहुत तेजी से इस जगह को भरने आएगा। यही है बस स्टॉर्म, और स्टॉर्म कुछ नहीं होता है, ठीक है। मार्जिन जो है डिफरेंस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का, वो कैसा होगा? वेरी हाई इन द केस ऑफ स्टॉर्म, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होगा, वेरी हाई, ठीक है। ये इसमें जो वार्म एयर है, जो गर्म हवा है, वार्म एयर, वो वहां पर हवा रहेगा ही नहीं स्टॉर्म के केस में। वैक्यूम लाइक कंडीशन क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम लाइक कंडीशन हो जाता है, मतलब यहां पर हवा रहता ही नहीं है। वैक्यूम लाइक कंडीशन मतलब नो एयर, हवा नहीं रहेगा, सब हवा ऊपर की ओर भाग जाता है। इस वाले रीजन में सब हवा ऊपर की ओर भाग गया, ये हवा जल्दी से इस जगह को भरने आएगा, ठीक है। ये ऊपर भाग गया, ये हवा इसको धक्का देकर ऊपर भेजा, ये ऊपर भागा जल्दी से, बहुत तेजी से फील करने आएगा और यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, तो बहुत तेजी से आएगा, वही हो गया स्टॉर्म। जब आराम से आएगा तो वाइंड, बहुत तेजी से आया स्टॉर्म, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं इतना में? कोई समस्या बताइए अगर समस्या है तो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो बगल का कूलर एयर होगा, ठंडा हवा, वो क्या करेगा? इस जगह को फील करने आ जाएगा, गसेस करने आ जाएगा। क्या है? ठंडा हवा फील करने आ जाएगा हाई स्पीड से, बहुत तेजी से। यही है क्या चीज? स्टॉर्म। आ गया समझ में? फिर से बता दूं क्या? ठीक है। और यही से स्टॉर्म क्रिएट होता है, यही है फर्स्ट स्टेज स्टॉर्म का, फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टॉर्म, ठीक है। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए इसको जल्दी से छाप लीजिए, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। चलिए वार्म एयर जो है वो ऊपर की ओर, चलिए इतना नोट कर लिया, फैन में चला दिया बिकॉज साउंड इधर उधर से आ रहा था। चलिए क्या क्या मैं बताया, यहाँ का प्रेशर हाई है, यहाँ का प्रेशर लो है, तो वाइंड कहाँ से ट्रेवल करेगा? वाइंड कहाँ से ट्रेवल करेगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बहुत तेजी से जब आता है तो उसी को स्टॉर्म बोला जाता है। इसमें क्या हुआ? बहुत तेजी से आया, उसको ऊपर भेजा तो स्टॉर्म क्रिएट हो गया। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा है स्टॉर्म में, स्टॉर्म के केस में बहुत तेजी से जाएगा, ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया वाइंड ट्रेवल करता है। मार्जिन का जब डिफरेंस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का बहुत हाई हो जाता है तब जाकर स्टॉर्म का कंडीशन क्रिएट होता है। वार्म एयर वैक्यूम लाइक कंडीशन बना देता है जब कोई हवा नहीं रहता है, तब वार्म एयर ऊपर की ओर बहुत तेजी से जाता है, वैक्यूम लाइक कंडीशन बन जाता है, मतलब यहाँ पर हवा प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और कूलर एयर जो होता है उस जगह को भरने आता बहुत स्पीड से, वही है फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टॉर्म, ठीक है। चलिए इतना सबको समझ में आ गया? आ गया तो बोलो। चलिए थोड़ा सा और बताता हूं कुछ कुछ। कहाँ गया? वार्म एयर। चलिए यहीं से बताता हूं। चलिए ठीक है, इसको छाप लिए थे, अब इधर थोड़ा खींचकर हम लोग लिखते हैं, यहां से हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए ग्रीन मार्कर से लिखूं, नहीं दिखेगा, चलिए ब्लू से ही लिख, सॉरी ब्लैक से ही लिखता हूं, गड़बड़ा जाएगा अगर लिखूंगा तो। वार्म एयर क्या होगा? ऊपर की ओर राइज करके जाएगा, ऊपर की ओर भागेगा, वो जो रेड वाला एयर था, तो उसके बाद वो एक फिक्स पॉइंट पे जाएगा, एक सर्टेन पॉइंट पे जाएगा, निश्चित पॉइंट पे चला जाएगा। सर्टेन पॉइंट के पर जाने के बाद
मॉइस्चर जो होता है एयर मास वो कंडेंस हो जाएगा, जो उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा, मॉइस्चर जो प्रेजेंट रहेगा एयर मास में वो क्या होगा, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस कंडेंस मतलब वो मतलब सिकुड़ने लगता है, कंडेंस मतलब पूरा हवा सिकुड़ने लगता है, समझिए ना ऐसे, ठीक है। गर्म हवा, गर्म हवा जो यहां से जमीन से ऊपर की ओर गया वो सर्टेन पॉइंट पर जाने के बाद जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब पानी भी इसमें प्रेजेंट होता है एयर मास, ठीक है, हवा का जो मास होता है वो कंडेंस कर जाता है, और जैसे कंडेंस करता है उसके कुछ टाइम बाद वो फॉल एज अ रेन, बरसात की तरह वो गिरने लगता है, फॉल एज अ रेन, रेन की तरह वो गिरने लगता है, रेन की तरह गिरने लगता है, ठीक है। चलिए, जैसे जैसे 1000 फीट आप ऊपर पे जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, जैसे जैसे आप 1000 फीट अप जाइएगा 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस डाउन होता जाएगा, गिरता जाएगा, फॉल होता जाएगा। जैसे जैसे आप 1000 फीट ऊपर जाइएगा 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरता जाएगा, और इसी कारण से क्या होता है, ऊपर जाने से सर्टेन पॉइंट पर जाने के बाद ये जो मॉइस्चर होता है एयर मास होता है वो कंडेंस कर जाता है, उसके बाद वो रेनफॉल में गिरने लगता है। आ गया सबको समझ में? चलिए अब हम लोग बात करते हैं थंडर स्टॉर्म के बारे में। स्टॉर्म समझ में आ गया, कब चला? ड्यू टू हाई प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। जब लो प्रेशर डिफरेंस रहेगा वाइंड क्रिएट, जब बहुत तेजी से रहेगा स्टॉर्म क्रिएट। स्टॉर्म कुछ खास नहीं होता है, वही होता है, हवा ही होता है स्टॉर्म भी, बट बहुत तेजी से चलने लगता है वही है स्टॉर्म, फास्ट मूविंग एयर नोन एज स्टॉर्म। चलिए अब आता है थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन, इसको नोट कर लीजिए। कर लिए? चलिए, साफ करने में मेरा होश बिगड़ जाता है, सब बोर्ड मार्कर सब खराब हो गया, नया मार्कर खरीद कर लाया फिर भी काम नहीं करता है। अब हम लोग बात करते हैं थंडर स्टॉर्म के बारे में और साइक्लोन के बारे में भी। एंड साइक्लोन, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। थंडर स्टॉर्म में क्या होता है, हेवी रेन होता है, जब बिजली चमकते रहता है, जब गर्जन होता है, जब गर्जन होता है तब क्या होता है, हेवी रेन, थंडर होते रहता है, आवाज आते रहता है, और क्या होता है, लाइटनिंग भी होता है, लाइटनिंग मतलब बल्ब बुल जलते रहता है आकाश में थंडर स्टॉर्म के केस में, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर बनने के लिए क्लाउड और रेन का जरूरत पड़ता है, ठीक है, क्लाउड्स और रेन का जरूरत पड़ता है मॉइस्चर बनने के लिए, मॉइस्चर का जरूरत पड़ता है क्लाउड और रेन का बनने के लिए, सिंपल भाषा में कहे तो।
क्लाउड और रेन को फॉर्म होने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है? मॉइस्चर का। उल्टा बोल रहा था मैं, रिक्वायरमेंट। क्लाउड और रेन को फॉर्म होने के लिए मॉइस्चर का जरूरत होता है। ये तो सबको पता है, पानी का जरूरत होगा तभी तो क्लाउड और रेन बनेगा। ठीक है, ठीक है। जब सन के हीट से टेम्परेचर राइज होगा, सन हीट से टेम्परेचर राइज होगा, सन का गर्मी आएगा तो टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा। तब हवा क्या होगा? गर्म होगा। एयर वार्म होगा। और इसी से क्या चलेगा? हवा चलेगा, स्ट्रॉन्ग वाइंड चलेगा। क्या चलेगा? स्ट्रॉन्ग वाइंड। और ये जो हवा चलता है तो मतलब गर्म हवा ऊपर की ओर जा रहा है, जो गर्म हवा ऊपर की ओर जाता है वो वाटर को भी कैरी करके ले जाता है। जब स्ट्रॉन्ग वाइंड चलता है तो ऑल्सो कैरी वाटर ड्रॉपलेट, तब ये साथ में ऑल्सो कैरी वाटर ड्रॉपलेट। जब तेज हवा चलता है तो जो हॉट वाइंड होता है, जो ऊपर की ओर जाता है, अप की ओर जाता है, वो कैरी क्या करता है? वाटर ड्रॉपलेट। देन वो फ्रीज हो जाता है, देन वो कॉन्डेंस हो जाता है, देन वो फ्रीज हो जाता है, यानी कॉन्डेंस हो जाता है और कम बैक ऑन धरती माता पृथ्वी पर। ठीक है। और ये जो प्रोसेस चलता है, ये जो मूवमेंट होता है नीचे से ऊपर जाता है, क्या चीज? ये सब जो नीचे से ऊपर जो चीज सब जा रहा है, इसी कारण से लाइटनिंग और साउंड क्रिएट होता है। इसी कारण से लाइटनिंग होता है और साउंड क्रिएट होता है। इसी कारण से ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है चीज सब, इसी कारण से राइजिंग वायर क्यों होता है लाइटनिंग और साउंड? सबसे पहला रीजन है राइजिंग वार्म एयर, गर्म हवा ऊपर की ओर जा रहा है। सेकेंड जो रीजन है वो रीजन है फॉलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है वो गिरेगा। फॉलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ पानी, पानी का ड्रॉपलेट गिरेगा। ठीक, इसी कारण से लाइटनिंग और साउंड आपको सुनाई देता है। ठीक है, किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कोई आपसे पूछेगा कि वार्म एयर लिफ्ट कहां से होता है, जो गर्म हवा है लिफ्ट कहां से होता है? पता है ना, सी ब्रिज से होता है। सी ब्रिज, माउंटेन, इसी सब से होता है, समझे? माउंटेन और सी ब्रिज से होता है। जनरली मोर अमाउंट में हवा ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, माउंटेन और सी ब्रिज से कहां से जाता है? माउंटेन से और सी ब्रिज से क्या होता है? वार्म एयर अप जाता है, एयर वार्म अप जाता है। ठीक है, ठीक है, वार्म एयर अप जाता है, लिफ्टिंग दी वार्म एयर, लिफ्टिंग दी वार्म एयर, वार्म एयर ऊपर की ओर जाता है। किसी को कोई समस्या इतना में? आई होप नहीं होना चाहिए। क्या होगा समस्या इसमें? सी ब्रिज क्या होता है सबको पता है, लैंड एयर हॉट होकर ऊपर जाता है और समुद्र का हवा भरने आता है। सी ब्रिज के बारे में यहां पर बता देता हूं, सी ब्रिज क्या होता है सबको पता है? सबको पता है कि नहीं? लैंड का जो हवा है, लैंड एयर, वो हॉट हो जाता है, उसके बाद वो ऊपर की ओर चला जाता है। और इस जगह को फिल करने के लिए क्या होता है? समुद्र से ठंडा हवा आता है, सी से कूल हवा आता है इस जगह को फिल करने के लिए, फिल करने के लिए, गस करने के लिए। यही है सी ब्रिज। तो माउंटेन और सी ब्रिज क्या करता है? क्या होगा? लैंड से जो हॉट एयर ऊपर की ओर जाएगा वो मॉइस्चर लेकर भी जाएगा, माउंटेन से भी
माउंटेन से जो हवा जाएगा वो भी क्या करेगा, वार्म एयर को कैरी करके ऊपर ले जाएगा, और उसी से तो रेन होता है मेनली। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं है इतना तक में, किसी को कोई समस्या? और जो साइक्लोन चलता है, ये जो तूफान आता है, तूफान में जो हवा चलता है उसका स्पीड होता है 150 किलोमीटर। ठीक है, वाइंड स्पीड कितना होता है? जनरली 150 से 250 किलोमीटर पर आर होता है, 150 से 250 किलोमीटर पर आर। बहुत तेजी में हवा चलता है और वर्षा भी बड़ा तेजी में होता है, देखिए हेवी रेन होता है। ठीक है, किसी को इतना में कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, इसको छापिए आराम से, छापो 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 छापो। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं। फ्रीज होकर कहाँ गिरता है? नीचे की ओर गिरता है, फॉल होता है, और ऊपर की ओर जाता है हॉट वाइंड। ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग वाइंड है कहाँ जाता है? स्ट्रॉन्ग वाइंड के बाद हॉट एयर जो है, लिखा ही हुआ तो है यहाँ पर, अप जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, एरो बना दीजिए ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाता है। चलो इसको छापो आराम से, फिर हम लोग बात करते हैं कुछ अच्छा अच्छा पॉइंट जो कि अब समझने का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सही से जा रहा है? साउंड वगैरह सब सही है? चलिए थोड़ा इस डस्टर का मैं साफ सफाई कर दूं। देखिए पूरा कपड़ा गंदा हो चुका है, मेरा हाथ भी पूरा ब्लैक हो चुका है, देखो ध्यान से देखो, और मच्छर भी यहाँ पर बैठ के बाद परेशान कर देता है, कैमरा के मुंह पर जाकर बैठ जाता है मच्छर तब। साफ ही नहीं हो रहा। जितना देर मैं साफ करता हूँ उतना दूर तुम लोग क्या करते हो? वही डांस वगैरह, थोड़ा सा लुंगी डांस हो जाए। अच्छा, वो सब तो पुराना गाना हो गया। बे बोर्ड साफ हो जा भाई। जाइए, अब मैं रेड मार्कर से कुछ भी लिखने वाला नहीं हूं। साफ ही नहीं होता है, इतना टाइम खाता है। कई लोग बोल रहे होंगे मेरा 2 मिनट बर्बाद हो गया, जैसे वो 2 मिनट में एक बाघ को पकड़ के मार देते। चलिए साफ सफाई हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिकॉशंस ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए थंडर स्टॉर्म के समय। अगर कोई खाली पेड़ है, आइसोलेटेड ट्री है, आइसोलेटेड ट्री का मतलब होता है सिंगल पेड़ कहीं पर प्रेजेंट हो, सिंगल पेड़ अकेला पेड़ प्रेजेंट हो, तो उसके नीचे आपको नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे आपको नहीं रुकना चाहिए, उसके नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए। अगर आप जंगल में फंस गए हैं, फॉरेस्ट में, तो स्मॉल ट्री के नीचे चले जाइए, छोटे पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाइए। ठीक है, आराम से। ठीक है, स्मॉल ट्री के नीचे अपना आप
फॉरेस्ट में है तो स्मॉल ट्री के नीचे आप अपना शेल्टर ले सकते हैं, रुक सकते हैं जितना देर, जब थंडरिंग हो रहा होगा उतना देर, ठीक है। अगर थंडरिंग हो रहा है देन आप छाता लेकर न चले, अम्ब्रेला लेकर न चले, क्योंकि अम्ब्रेला का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो मेटैलिक होता है, मेटैलिक बॉडी होता है उसके ऊपर में, ठीक है, मेटैलिक बॉडी होता है उसके ऊपर में, उसका जो इंड होता है वो मेटैलिक इंड होता है, इसलिए छाता लेकर नहीं चलिएगा, नहीं तो छाता पर ही गिर जाएगा। खिड़की के नियर नहीं बैठना चाहिए, विंडो के नजदीक नहीं बैठना चाहिए, खिड़की के नजदीक, क्योंकि उसमें मेटल लगा होता है, खिड़की में मेटल का शेड होता है। फोर्थ नंबर, कार बस में आप सहारा ले सकते हैं, कार या बस में है देन आप शेल्टर ले सकते हैं, कार बस सही है, ठीक है। अगर आप पानी में हैं, पानी में हैं देन पानी से आप बाहर निकल जाइए, पानी में नहीं रहिएगा, ठीक है, ठीक है। यही सब पॉइंट था, इस सब को छापिए आराम से, थोड़ा मैं चेक कर लूँ बुक से कौन सा चैप्टर है। अच्छा, वाइन स्टॉर्म, कुछ कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं। इफ यू आर इन वाटर यू गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, वहाँ वही सब लिखा रहता है बुक में, कथा कहानी सब, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि थंडर स्टॉर्म साइक्लोन बनता कैसे है, ठीक है। How a thunderstorm becomes cyclone? यार बहुत थक गया। तीन लेक्चर अभी तक शूट हो चुका है, अभी फोर्थ लेक्चर है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत थक गया मैं। आप लोगों का ही लेक्चर मैं शूट कर रहा था, दूसरे चैप्टर का, बहुत ज़्यादा हल्ला आप लोग कर रहे थे तो शूट करना पड़ता है। हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स साइक्लोन, थंडर स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है। साइक्लोन जो होता है वो नेचुरली आते रहता है, नेचुरली अपने आप, कहाँ पर, ओवर द सी, सी के ऊपर आते रहता है हमेशा। क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ स्टॉर्म को हम लोग बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ स्टॉर्म को बोला जाता है साइक्लोन। जब गोल गोल घूमने लगता है स्टॉर्म, उसी को बोला जाता है साइक्लोन, ठीक है। ये साइक्लोन बड़ा हेवी होता है, समझे, ये जो साइक्लोन होता है बड़ा हेवी होता है, बहुत ज्यादा बर्बाद कर देता है, जो चीज इसके रास्ते में आता है सबको बर्बाद करते हुए चला जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका कुछ रीजन समझते हैं। एयर किसी पार्टिकुलर एरिया, एयर किसी पार्टिकुलर एरिया का हीट हो गया, पार्टिकुलर एरिया का अपर सरफेस का हीट हो गया, एयर पार्टिकुलर एरिया के अपर सरफेस पर का, अपर सरफेस का क्या हो गया, हीट हो गया, गर्म हो गया, देन वो ऊपर की ओर जाएगा। पार्टिकुलर सरफेस के एरिया का एयर क्या हो गया, हीट हो गया, देन वो अपवर्ड जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। जो हवा ऊपर की ओर जाता है उसका प्रेशर कैसा होता है भाई, बोलो तो, लो प्रेशर, गुड। देन तब क्या होगा, जो सराउंडिंग में हवा रहेगा
सराउंडिंग में हाई प्रेशर जो एयर रहेगा इस जगह को फिल करने आ जाएगा, ठीक है। एयर फ्रॉम हाई प्रेशर मूव्स टू फिल द एयर गैप, क्या होगा? मूव्स टू फिल द एयर गैप, हवा का जो गैप रहेगा उसको फिल करने आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं? अगर ये मूवमेंट बहुत तेज हुआ, अगर ये मूवमेंट वेरी फास्ट हुआ, बहुत तेज, देन वो साइक्लोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइक्लोन। ये जो स्टॉर्म है, वाइंड किया था, आराम से हवा चला, बहुत तेजी से चला, स्टॉर्म हो गया। साइक्लोन कब हुआ? कब हुआ? जब वो पानी में आ गया समुद्र के ऊपर, बहुत तेजी से जब गोल गोल पानी को घुमाने लगा, तो वही क्या है? साइक्लोन है। बहुत हेवी होता है, नेचुरली सी के ऊपर आते रहता है, सी के ऊपर ओवर सर्कुलर फ्लो ऑफ स्टॉर्म होता है, ठीक है। एयर किसी पार्टिकुलर एरिया का, पार्टिकुलर एरिया के सरफेस का हीट हो गया तो ऊपर की ओर भागेगा, लो प्रेशर है क्योंकि, तो सराउंडिंग जो हाई प्रेशर एयर रहेगा उस जगह को मूव टू फिल द एयर गैप, एयर गैप को फिल करने आएगा। इफ मूवमेंट वेरी फास्ट देन साइक्लोन बन जाएगा। किसी को कोई समस्या समस्या है तो बोला करो, ठीक है। अब ये जो रेडियस होता है, साइक्लोन जितना दूर में आता है उसको हम बोलते हैं रेडियस, या इसी को बोल दिया जाता है सेंटर, सेंटर ऑफ द साइक्लोन, सेंटर ऑफ द साइक्लोन, या इसी को आई भी बोल दिया जाता है, या आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है, सेंटर ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। सेंटर ऑफ साइक्लोन को क्या बोला जाता है? आई ऑफ साइक्लोन। और इसका रेडियस होता है 10 से 30 किलोमीटर। रेडियस कितना होता है साइक्लोन का? 10 टू 30 किलोमीटर के करीब। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं बुक चेक कर लेता हूँ कौन सा टॉपिक है। सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन, कहाँ गया? सही है, 10 से 30 किलोमीटर सही है। मिल तो नहीं रहा है बट सही होगा, अगर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बुक में कहीं से मैं लिख देता हूँ कुछ कुछ, बहुत सारा बुक रहता है ना तो कहीं से लिख दिया जाता है, क्योंकि मुझे शक है। अब ये जो सेंटर होता है, आई ऑफ द साइक्लोन होता है, वो फ्री फ्रॉम क्लाउड होता है, फ्री फ्रॉम क्लाउड। ये जो रेडियस होता है, जितना दूर में साइक्लोन उठता है, वहां पर क्लाउड नहीं होता है, वहां पर बादल नहीं होता, उसके अगल बगल में होता है, ठीक है। इसको छाप लिए। जैसे साइक्लोन का कुछ कुछ हम लोग नाम लिखते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, इस सब का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। जैसे साइक्लोन, जो साइक्लोन जैसे हरिकेन्स, वो कहाँ आता है? अमेरिका में। अमेरिका में आया तो हरिकेन्स। और क्या था? टाइफूंस, जापान, फिलीपींस वगैरह में। जैसे टाइफूंस आया तो वो कहाँ आएगा? जापान में आएगा, उसका नाम रहेगा, और फिलीपींस वगैरह में आएगा, उसका नाम रहेगा। फिलीपींस का स्पेलिंग गलत है, PHILIPINSE, नहीं नहीं गड़बड़ है, PPINS शायद, हाँ अब सही होगा, ठीक है, फिलीपींस। चलिए, इसके रास्ते में जो चीज आएगा सबको बर्बाद करते चला जाएगा, इसके रास्ते में जो आएगा सबको ये बर्बाद कर देगा, छोड़ता किसी को नहीं है भाई, किसी को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। छाप लिए।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं साइक्लोन में क्या क्या डैमेज होता है। डैमेज इन साइक्लोन, सबसे पहला है लॉस ऑफ लाइफ, सब चीज बर्बाद हो जाता है, घर मकान सब टूट टट जाता है, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ होता है। स्ट्रॉन्ग विंड के कारण क्या होता है, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, जीवन का बहुत गंदे तरीके से लॉस होता है, एवरीथिंग बर्बाद हो जाता है, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है जो इसके रास्ते में आता है। ठीक है, इवन अगल बगल का जो सॉइल होता है, सॉइल जो होता है उसका फर्टिलिटी भी लूज कर देता है, मिट्टी का फर्टिलिटी खराब हो जाता है। चलिए, यही हुआ आपका साइक्लोन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टोर्नेडो के बारे में। मजा आ रहा है पढ़ने में, सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि सब ऊपर ऊपर से जा रहा है। हिट पढ़े थे, वाइनस्टोन साइक्लोन पढ़े, चलिए अब थोड़ा भी नहीं उड़ रहा होगा। सबसे टफ काम है बोर्ड साफ करना, इसके लिए मैं एक अलग आदमी रखूंगा, और ये आदमी कौन रहेगा, तुम ही लोग में से एक कोई रहेगा, एक नहीं सब रहेगा, एक एक दिन बीत करके। स्कूल में यही होता है ना, बोर्ड साफ करना है, आज तुम आओगे कल तुम आओगे, बच्चा सब अपने खुश रहता है साफ करने के लिए, यहाँ साफ करना पड़ता है तो मैं रो रहा हूँ लेकर बोर्ड, कौन साफ करेगा, अरे बोर्ड वोर्ड सब खराब हो जाता है, नकली फकली बोर्ड सब है, पैसा आएगा तभी ना अच्छा बोर्ड खरीदाएगा। तुम लोगों से अब मैं पैसा लेगा पढ़ाने का, 5 रुपया। हाँ चलिए, अब कहाँ हम लोग थे, साइक्लोन पर, अब हम लोग आते हैं टोर्नेडो पर। टोर्नेडो हेडिंग में डलवाया था ना, टोर्नेडो क्या होता है, ये जो साइक्लोन टाइप जो होता है वो अगर ऐसे उठने लगता है गोल 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 ऐसे, मतलब इस सरफेस से जब गोल गोल ऐसे ऐसे उठने लगता है, इसी को बोला जाता है फनल टाइप का बन गया, इसी को बोला जाता है टोर्नेडो। ये जो टोर्नेडो होता है ये बड़ा कमजोर आता है, ठीक है, मोस्टली वीक ही आता है, मतलब हमारे जो कंट्री में आता है वो मोस्टली वीक ही होता है, कमजोर होता है। ये कैसा फॉर्म हो रहा है, फनल शेप, फनल शेप के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर है, इसमें क्या हो रहा है, रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, हवा का कॉलम इसमें रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और ऊपर की ओर भागेगा। ये बहुत खतरनाक होता है, समझे, बहुत खतरनाक होता है। इसका स्पीड पता है, अगर ये अगर बहुत तेजी से आगे 300 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलेगा, जो कि साइक्लोन से बहुत ज्यादा स्पीड है, ये सबको बर्बाद करते हुए चला जाएगा, बट अपने कंट्री में ये आता नहीं, अगर आता भी है तो बहुत धीरे, जो पता भी नहीं लगता है। ठीक है, अब ये सब जो आपदा ये सब आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, मान लेते हैं किसी कंट्री में टोर्नेडो आ रहा है, तो सरकार को तो कुछ करना पड़ेगा, सरकार को सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ता है। ठीक है, सेफ्टी मेजर, जो फिशरमैन रहता है, मछली पकड़ने वाला मछुआरा, जो शिप वगैरह रहता है, सबको वार्निंग दिया जाता है कि आज तुम लोगों को नहीं जाना है पानी में, क्योंकि आने वाला है तूफान। जो भी अगल बगल में लोग रहते हैं सबको कहाँ पहुंचाया जाता है, सेफ प्लेस में, कभी भी तूफान आता है तो पेपर में लिखा रहता है लोग को पहुंचाया गया सेफ प्लेस में। जो साइक्लोन प्रोन एरिया होते हैं, जिस एरिया में साइक्लोन आता है, साइक्लोन से ग्रसित जो एरिया होता है, साइक्लोन प्रोन एरिया, उस एरिया में उस एरिया के लोग को साफ पानी पीने को कहा जाता है, क्लीन वाटर। पता है क्यों, अगर गंदा पानी पिएगा बीमार पड़ेगा तो इलाज कैसे होगा भाई, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को नहीं छूना होता है,
इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, जैसे कि ये जो केबल वगैरह होता है, केबल कोई भी वायर ये सब नहीं छूना चाहिए जब ये आता है साइक्लोन वगैरह, तब घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए बिना बात का, कब साइक्लोन जब आता है तब, COVID-19 में भी नहीं निकलना चाहिए, कोरोना में नहीं निकलना चाहिए घर से, घर में सोए रहना है मोबाइल लेकर और मोबाइल में गेम खेलते रहना है और मम्मी को बताना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, झूठा सपना दिख जो तुम लोग कर रहे हो। क्या मैं झूठ हूँ? एकदम सही हूँ भाई, अरे मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं झूठा सपना नहीं दिखाता हूँ। हाँ मैं भी झूठा दिखाता हूँ कि हाँ ये होगा वो होगा, सब झूठा सपना रहता है। सब पूछता है पढ़ाने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलता है ना 10 रुपया रोज। चलिए, और खर्च कितना होता है आपको भी पता नहीं है, एक दिन का डेटा अगर 2 वीडियो भी एवरेज मान लोगे तो आपको पता लग जाएगा, 2 घंटा का वीडियो अपलोड करके देखना, पता लग जाएगा कितना डेटा खर्च होता है, और मार्कर का इंक वगैरह ये सब तो अपना कंपनी का है ये सब। चलिए, यूजेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आपको शायद पता नहीं है ओलंपियाड कंटेंट फ्री में डालना बहुत टफ टास्क होता है, बहुत टफ, मतलब कहीं पर भी आप ये नहीं देखते होइएगा कि ओलंपियाड का कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, कहीं नहीं मिलता है भाई, कहीं नहीं। इसका फीस बस इतना पढ़ाने का फीस होता है आई थिंक 25 to 30K, 25 से 30 हज़ार रुपया कोचिंग में, जब आप जाओगे तो आपको पता लगेगा, कोई भी कोचिंग में अगर आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है तब, अगर नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा फीस रहेगा, और फीस लेना उचित भी है, कहीं ना कहीं उचित भी है। यहाँ पर मैं फ्री में पढ़ाता हूँ तो कोई नहीं देखता है, वही मैं फीस लेने लगूंगा सब देखेगा, जैसे अगर मैं भी इसका चार्ज कुछ कर दूंगा आपसे 2000 3000, जो मैं करूँगा नहीं, ठीक है, मतलब इस साल तो पूरा फ्री ही पढ़ाऊँगा, हो सकता है तो अगले साल से थोड़ा बहुत चार्ज लिया जाएगा, बहुत कम, 100 200 500 1000, उससे ज़्यादा नहीं, और नहीं तो सब फ्री किया जाएगा, देन मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा, उसमें आप लोग कुछ कुछ डाल दीजिएगा, ठीक है, तभी ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये बैठ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, अकेला मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं, इतना मेहनत करने के बाद क्या मिलता है रिजल्ट आपको पता ही होगा, बट मैं घबराता नहीं हूँ, वो भी देखकर मुझे बहुत एनर्जी मिलता है कि मिल तो रहा है कुछ भी, मतलब मिलता क्या, कुछ नहीं मिलता है, खर्च बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है, डेटा एक्सपेंस ही इतना ज़्यादा आता है कि आप सोच नहीं सकते हो, और उसके बाद सामान सब सब खराब हो जाता है, अभी ही पूरा लाइट जल गया था, पूरा लाइट जल गया तो सबको ऐसे तैसे करके ठीक किया, पूरा लाइट फिर से अब नया नया लाइट इंस्टॉल होगा, सोचो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, बट ठीक है। तो अगर अगले क्लास से थोड़ा बहुत चार्ज हो सकता है, अगर फ्री होगा देन मैं अपना अकाउंट नंबर डाल दूंगा, आप लोग थोड़ा बहुत 100 200 500 1000 सपोर्ट कर देना, क्योंकि ये ज़रूरत होता है, अगर नहीं सपोर्ट करोगे देन ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ही नहीं कर पाएगा, फ्री में कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर भी पढ़ा लेता हूँ तो ऐसे पढ़ाने का समय मिलता नहीं है मुझे, एक्चुअली कैसे मिलेगा, मतलब 3 क्लास मैनेज कर पाना बहुत टफ टास्क होता है, वो भी ओलंपियाड लेवल कंटेंट, शायद अभी यूट्यूब पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो अभी तक प्रेजेंट नहीं है, आपको भी ये बात पता होगा, और फ्री में दिया भी नहीं जाएगा, ये आप जान लीजिए, ओलंपियाड लेवल का कंटेंट ना कहीं मिला है ना मिलेगा, ये आप जान लीजिए, रहेगा थोड़ा बहुत चार्ज, ठीक है। अगर आपका जो जो बच्चा का बेस अगर अभी खराब हो गया, 6 7 8 में नहीं पढ़ा, 9 10th में नाक रगड़ के मर जाएगा, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत होता है मैनेज करना 9 10th में, बहुत टफ होगा, जब बच्चा 8 से 9 में जाता है तो उसको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या रहा है एक्चुअली, मतलब बहुत सारे आप मतलब आपको बहुत सारा बुक मिलेगा अलग अलग कंपनी का, स्कूल में कुछ बुक बताया जाएगा, कोचिंग में कुछ बताया जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे जब 9th में जाओगे तो,
और जो बच्चा अभी से ये सब पढ़ के रखेगा ना, वो आराम से सोया रहेगा दोनों हाथ फैलाकर, चल तू हाथ दबा मेरा। वो हाथ ऐसे फैला लेगा, क्लास का दो दोस्त उसका हाथ दबाते रहेगा। यही सब होता है स्कूल में, पता है कि नहीं? जो पढ़ने वाला रहता है उसका बहुत वैल्यू होता है स्कूल में, दोनों हाथ फैला देता है उसका, सब दबा रहा है। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है अगर वो स्कूल में कुछ कुछ भी बोल देता है, कुछ भी करता है ना, तो उसको सब टीचर माफ कर देते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाला नहीं रहता उसको क्या होता है पता ही होगा आपको। चलिए, यूजेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है? सैटेलाइट का पिक्चर लिया जाता है, सैटेलाइट पिक्चर लिया जाता है। क्या किया जाता है? सैटेलाइट का पूरा साइक्लोन सबका पिक्चर लिया जाता है, जो भी आता है उसका पिक्चर लिया जाता है। पूरा वेदर कंडीशन को मॉनिटर किया जाता है, जितना भी वेदर कंडीशन है उसको मॉनिटर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, मॉनिटर। और 48 घंटा या कभी कभी 48 घंटा नहीं, 24 आवर्स पहले इन्फॉर्म किया जाता है, बिफोर अलर्ट किया जाता है, बिफोर अलर्ट किया जाता है कि आने वाला है तूफान, नहीं जाना है समुद्र में, ठीक है। देन जब पता लग जाता है देन रेगुलर अलर्ट होते रहता है, वो न्यूज वाले भाई साहब सब अपना लगातार दिखाते रहते हैं, ठीक है। यहीं पर आपका एक छोटा सा चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।